नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सोनू रेसिपी हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बिना अंडे की एग करी बनाने वाले हैं। इसमें अंडा बिल्कुल भी नहीं यूज किया है हमने। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सोनू रेसिपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप कोई भी अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इसके लिए यहाँ पर दो बॉयल आलू लिए हैं और मैंने इनको मॉर्निंग में ही सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको बॉयल कर दिया था ताकि इनका जो अंदर से मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं कि जो मैं सीख इसके अंदर डाला था वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर निकली है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है। और पनीर के बाद हमें यहाँ पर कुछ सामान ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि मैदा है मैंने 2 चम्मच और मक्के का आटा 1 चम्मच और नमक लिया है यहाँ पर स्वाद अनुसार। और इसके बाद हमें ग्रेटर से पनीर को मैश कर लेना है बिल्कुल बहुत ही फाइन, जैसे कि मैं बिल्कुल एकदम बारीक है उससे आपको इसमें ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा पनीर है कुछ इस प्रकार से एकदम बिल्कुल फाइन ग्रेट होता है। अब हमें दोस्तों इसके अंदर से 1/4 हिस्सा अलग कर लेना है और 3/4 हिस्सा हमको इसमें अलग करना है। और 1/4 हिस्से को जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ 1/4 मतलब चौथा हिस्सा यहाँ पे अलग किया है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा और 1 नमक स्वाद अनुसार और यहाँ पे हल्दी 1/2 चम्मच डाली है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑयल या घी डाल देना है, वो हल्का गुनगुना होना चाहिए। और इसे हम अच्छे से फिर मैश कर लेंगे। जो अंडे के अंदर के जो होती है उसको हम अब बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाता है। और इसको तैयार करने के बाद दोस्तों हमें जो अंडा है जो बनाते हैं हम उसको हम अलग से तैयार करेंगे। जो हमारे पास पनीर है अब उसके अंदर हम यहाँ पे आलू ग्रेट करेंगे और आलू भी हमें बिल्कुल बहुत ही फाइन ग्रेट करना है, बिल्कुल छोटे वाले साइज से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आलू ग्रेट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर मैदा नमक डाल दिए और यहाँ पे मेरे पास जो मक्के का आटा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब दोस्तों हमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हमें पानी या ऑयल घी कुछ भी नहीं डालना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बिल्कुल बहुत ही आराम से ये बिल्कुल एक डोई बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसे साइड कर देंगे और अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे जितने हमें अंडे बनाने होते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से हल्के हल्के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। साथ में मैंने पनीर के भी यहाँ पर ऐसे बॉयल्स बना लिए और ऐसे बॉल आपको बना लेनी है। और मैंने जितने बॉयल बनाए थे बराबर दोनों बराबर रखने हैं। और कुछ इस प्रकार से आपको मैदा के अंदर इसको लगा लेना है, हमें एक लोई की तरह इसको बेल लेना है हाथों की सहायता से। और इसके बाद में हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और धीरे धीरे हल्के हाथों से हम इसको कवर करेंगे और बिल्कुल एक इसको एक अंडे की शेप देंगे। और इसे बिल्कुल बहुत ही हल्के हाथों से करना है और आप देख सकते हैं कि जैसे कि बिल्कुल ऐसा कुछ आपको अंडे की शेप दे देनी है। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिए। और इसी प्रकार आपको ये सारे अंडे तैयार कर लेने हैं और मैं इसको सारों को तैयार कर लेता हूँ यहाँ पर। बल्कि इन्हें बिल्कुल ही बहुत ही हल्के हाथ से हमें प्रेस करते हुए इसको तैयार करना है। अब हमें यहाँ पे प्याज लेना है, मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं और इनको मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगा और कुछ इस प्रकार का पेस्ट तैयार कर लूँगा। और साथ में मुझे यहाँ पर टमाटर भी लेने हैं, 2 मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और मुझे इन्हें भी मिक्सी में पीस के और इनका भी पेस्ट तैयार कर लेना है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेस्ट तैयार हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज किया है, अगर आपके पास रिफाइंड है या कोई भी आप ऑयल यूज कर सकते हैं।
अगर आपके पास कोई पुराना फ्राई ऑयल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमें इसके अंदर इन सारे वो इसको इसके अंदर डाल देना है। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे सारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं अगर जैसे यहाँ पे कोई फट जाए अगर हाई फ्लेम की वजह से, तो अगर फट जाता है तो हम इसे निकाल लेते हैं और जैसे ही हमारा ठंडा होगा तो हम इसे एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद में दोस्तों, जो हमने ऑयल फ्राई किया था तो उसी में से हमने इसी ऑयल को यूज किया है, हमने फ्रेश ऑयल यहाँ पर यूज नहीं किया है। तो आप भी इसी को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, जैसे हल्का गर्म हो जाता है हमारा, तो हम इसके अंदर जीरा और काली मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में हम इसके अंदर हरी मिर्च, और हम हल्के ब्राउन होने पर हम इसके अंदर प्याज का जो पेस्ट है वो साथ में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे दोस्तों। और इसे हमें हल्का ब्राउन होने देना है तब तक कि हमारा जो प्याज है बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और बिल्कुल इसके साथ ऑयल के साथ घुल ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्याज है जो तैयार हो चुके हैं, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। और अब साथ में हमें इसके अंदर ऐड करना है टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले बना के तैयार किया हुआ है, और अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों, हमें टमाटर को अच्छे से पकाना है। और जैसे ही ये हमारा हल्का पकने लगे तो हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और हम इन सबको एक साथ पका लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा करी है वह बहुत ही अच्छी बन रही है। और साथ में अब हम इसके अंदर जो मसाले हैं, यहाँ पर मैंने नमक, धनिया और मिर्च और हल्दी ली है, और आप भी अपने अनुसार ये ले सकते हैं कि आप कितने बना रहे हैं और आप उसी हिसाब से इसमें बना सकते हैं मसाला। और हमें यहाँ पर हल्का पानी ऐड करना है जिससे कि हमारी जो करी है बहुत ही अच्छी बने और शानदार बने। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे करी है वो बहुत ही लाजवाब बन रही है। तो दोस्तों ये जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और साथ में हमें इसके अंदर दही ऐड करना है, जो दही से हमारे जो स्वाद है वह बहुत ही डिफरेंट हो जाता है और बिल्कुल एकदम मज़ेदार हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, अब हमारा जो इसके अंदर हमें दही डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि ये कुछ इस प्रकार से बॉईल होने ना लग जाए। तो दोस्तों क्योंकि अगर हमने इसको नहीं चलाएंगे तो हमारे जो दही है वो इसके अंदर जाके हमारे मसाले को ख़राब कर सकता है, फट सकता है। तो इसलिए आपको जब तक ये दही में इसे बॉयल ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बॉयल हो चुका है। तो अब इसने हमारे करी ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ये पकने लग चुकी है। और दोस्तों इसे देख सकते हैं आप, अब हम इसके अंदर हमारे जो अंडे बनाए हुए हैं वो अंडे ऐड कर देंगे। और अंडे बनाने के बाद ऐड करने के बाद दोस्तों, हमें इन्हें हल्के हाथों से चलाना है और बहुत ही तेज़ स्पीड से हमें नहीं चलाना है, क्योंकि ये हमारे जो अंडे हैं बहुत ही हल्के और सॉफ्ट लिए हैं, तो अगर इनको हम तेज़ स्पीड से चलाएंगे तो ये घुल जाएंगे दोस्तों। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप इसको अंडे इसके अंदर ऐड कर दें तो आप 1 या 2 मिनट्स में गैस को ऑफ कर दें। अगर इसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा हीट देंगे तो इसके फटने के और मसाले के साथ मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है, और हरा धनिया ऐड करते ही मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने कवर करके, और कुछ इस प्रकार से ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे घर पर एक बार ज़रूर बनाएं। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल सोम रेसिपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और घर पर भी एक बार ज़रूर ट्राई करें ये नॉन वेज अंडे। दोस्तों ऐसी ही यूनिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप चिकन रेसिपीज देखना चाहते हैं तो सामने वीडियो में दिया गया है, आप वहाँ जा उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।